इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर जमियत अहले हदीस महबूब नगर का एक सहाफती इजलास बमुकाम मस्जिद अहले हदीस नासिर साले बिन हमुदश में मुनाकिद हुई। इस सहाफती कॉन्फ्रेंस के जरिए महबूब नगर और दीगर करीबी अजला के आजमीन हज को इतला दी गई के मुकामी जमियत अहले हदीस की निगरानी में 6 मई बरोजे पीर बमुकाम मस्जिद नासिर साले बिन हमुदश शाह साहब गुट्टा पर बाद नमाज मगरिब ता इशा एक हज तरबियती क्लास का अहतमाम किया गया है। इस तरबियती क्लास को माहिर मौल्ले मुरब्बी फजीलतुल शेख अब्दुल रहीम मक्की हफीजहुल्ला और फजीलतुल शेख हसन बेग मेरठी हफीजहुल्ला मुखातिब फरमाएंगे। आजमीन हज से ख्वाहिश की गई है इस हज तरबियती क्लास में हाजिर होकर फरीज़ हज से मुतालिक अहम मालूमात हासिल करें। खवातीन के लिए पर्दे का नज्म रहेगा। इस सहाफती इजलास में नेमतुल्ला खान ज़िले और सूबाई सदर जमेल अहले हदीस तेलंगाना अब्दुल अजीम सनावेली मुकामी अमीर जमेत अहले हदीस महबूब नगर इसामुद्दीन नाजिम जमेत अहले हदीस महबूब नगर फजीलतुल शेख हसन बेग मेरठी मोहम्मद सलीमुद्दीन ताहिर सिद्दीकी और दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह सलातु सलाम अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद, मकामी जमेत अहले हदीस के इस्लाही उमूर में से एक काम ये भी है कि वो लोगों के अकायद की इस्लाह के साथ साथ उनके आमाल की इस्लाह की भी फ़िक्र करती है। हज जैसा कि बताया गया इस्लाम के उमूर में से एक अहम अमर है, बुनियादी पिलर है, पांच जो इस्लाम के उसमें से ये पांचवा पिलर है। और इबादत के लिए इबादत के नाहिये से इसकी बड़ी अहमियत है। अल्लाह के नबी सलाम का जो फरमान है कि मुझसे हज के अरकान सीख लो, मनासी के हज सीख लो, इससे इसकी अहमियत का पता चलता है कि ये कितना अहम रुकन है। आम तौर पर हमारे जो इल्मी काबिलियत की पस्ती का हाल है वो ये कि हम वज़ू और नमाज के मसाइल से भी गाफिल हैं। हज एक मुक़द्दस अमल है और ज़िंदगी में एक ही मरतबा किया जाना है और अक्सर व बेशतर लोग एक ही मरतबा जाते हैं। तो जमात अहले हदीस ये चाहती है कि इतना पैसा खर्च होने के बाद, जान और माल की कुर्बानी देने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, उनका अपना ये मंशा है, जमात के ये ख्वाहिश है कि सुन्नत किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक वो अमल वहाँ पर बजा लाया जाए ताकि अल्लाह के पास वो कबूल और मंजूर हो। हर वो अमल जो सुन्नत के मुताबिक होगा अल्लाह के नज़दीक उसकी अहमियत है और उसकी कबूलियत है। मनमानी तौर पर इबादत का नाम इबादत नहीं है, मनचाहे तरीक़े पर काम करने का नाम इबादत नहीं है। लिहाजा हज के लिए जो लोग मुंतखब हुए हैं जमात अहले हदीस मकामी की तरफ से, महबूब नगर की जानिब से और दिल्ली जमेत महबूब नगर की जानिब से, हम मुंतखबा आज़मीन हज को जो तेलंगाना के उन्हें भी और जो बिलखसूस कदीम ज़िला महबूब नगर के उन सबको आज़मीन हज मर्द ख़वातीन को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और उनकी खिदमत में ये मारूज़ा पेश करते हैं कि पीर के दिन मगरिब की नमाज के बाद से लेकर ईशा की नमाज तक एक तालीमी और तरबियती क्लास होगी। प्रैक्टिकल वहाँ उनको हज और उम्रे के तरीके सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे और जो कुछ भी शकूक और शुबहात आज़मीन हज मर्द ख़वातीन के दिल में होंगे इंशाअल्लाह उसको किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में उसको हल किया जाएगा और बताया जाएगा। लिहाजा हम अपील करते हैं कि जो लोग भी इस मरतबा हज के लिए मुंतखब हुए हैं, मर्द और ख़वातीन हज़रात, कि वो पीर के दिन मगरिब की नमाज मस्जिद नासिर साले शाह साहब गुट्टा में यहाँ अदा करें ताकि मगरिब के साथ ही ये जो क्लास शुरू हो रही है जिसको हैदराबाद से भी जयद आलिम और जिनकी तालीम और तरबियत भी अल्हम्दुलिल्लाह मक्के में हुई है वो तशरीफ़ ला रहे हैं और अमली तौर पर आपको हज के मनासिक से इंशाअल्लाह वो आगाह और बाखबर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वो तमाम लोग जो मुंतखब आज़मीन है वो तशरीफ़ लाएंगे और जमीयत को शुक्रिया का मौका देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
یہ بڑا خوشی کا موقع ہے کہ موسم حج میں بہت سارے حاجی اللہ تعالیٰ کے گھر کی سعادت اور وہاں پر جو مناسک کے حج ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان بھی فرمائی ہے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, جو آدمی بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو اس کے اوپر حج فرض ہے. اور حج یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے, لہذا جو وہاں پر جانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے, وہ جا بھی رہے ہیں. لیکن اس موقع سے خاص طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آدمی جو بھی عمل کرے اخلاص نیت کے ساتھ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خذوا عنی مناسککم, مناسک حج, اپنے جو مناسک حج ہیں, حج کا جو طریقہ ہے, وہاں پر جو امور انجام دیے جائیں گے وہ مجھ سے سیکھ لو. تو اسی مناسبت سے مقامی جمعیت اہل حدیث محبوب نگر نے ایک کلاس بمقام مسجد ناصر صالح حمودش صاحب گٹا محبوب نگر میں بروز پیر بعد صلاۃ مغرب تا عشاء رکھا ہے, اور اس میں الحمدللہ مشہور علماء کرام تشریف لا رہے ہیں, جیسے فضیلۃ الشیخ عبد الرحیم مکی حفظہ اللہ اور فضیلۃ الشیخ حسن بیگ میرٹی حفظہ اللہ. لہذا جو بھی عازمین حج کی سعادت حاصل کرنے والے لوگ ہیں, ہماری ان سے گزارش ہے کہ ہمیں بھی موقع دیں, وہ اس مقام پر آئیں اور کلاس اٹینڈ کریں, حج اور عمرے کا طریقہ سیکھیں, اور اپنے جو بھی سوالات ہیں ان علماء سے کھلے دل سے وہ رکھ سکتے ہیں اور تشفی بخش جوابات حاصل کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.